So the next topic is gynosium. So gynosium chi no ngata pata nokle. It is the female reproductive organ in case of. So the female reproductive in case of flower, and a single unit of gynosium is called as the pistil, jinko hum pistil kehte hain ya hum usko carpel kehte hain. Theek hai. So the single unit of gynosium is called as pistil or the carpel. So when we see a detailed structure of pistil or carpel, we can see it is composed of stigma. Unme stigma hota hai, ek lamba sa tubular structure which is called as the style, and at the base a swollen structure which is called as the ovary. So ye ho gaya stigma, जो सबसे ऊपर होता है. फिर उसके बाद जो लंबा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्टाइल, एंड द स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी, जिसको हम कहते हैं ओवरी. सो ओवरी के अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एंड दैट ओव्यूल इज अटैच टू अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा. जिसके साथ ये ओव्यूल अटैच है, दैट पार्ट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, एंड दिस इज द ओव्यूल. ओव्यूल बोल नो पहले. सो पिस्टल और कार्पल का पार्ट सुन ना बटुते नो स्टिग्मा स्टाइल नंग ओवरी. ओवरी में नंग को ओव्यूल ऑन ओव्यूल बो का पार्ट पे का अटैच होते तिनते वा जरा नोले गता है प्लेसेंटा जरा. ठीक है. एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द गाइनोशियम. सो गाइनोशियम गुने इंपॉर्टेंट टर्म्स ठीक ना था जिना. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स. सो फ्लावर जी ना सम शिक कार्पल प्रेजेंट दुखा ला ले ते बेसिस पे का बताए टर्म्स लिखा जगह था ला ले. जैसे कि अगर एक फ्लावर में एक ही कार्पल है, एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, द फ्लावर इज सेट टू बी मोनो कार्पलरी. मोनो कार्पलरी. ठीक है. यूंगता माक्षा लेग्यूमिनस गता प्लांट को ना थोड़ा नुकया ले. अगर जिनमें सिर्फ एक ही कार्पल है, एक ऐसा फ्लावर जिनमें दो कार्पल है, द कंडीशन इज सेट टू बी बाई कार्पलरी. अगर सुमयोना ट्राई कार्पलरी. अगर जी योदना टेट्रा कार्पलरी. अगर श्ना योदना पेंटा कार्पलरी. ठीक है. अगर फाइव से ज़्यादा है, द कंडीशन इज सेट टू बी मल्टी कार्पलरी. ठीक है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पल्स. कार्पल फ्लावर जीना सब शिदुगले तिन्ना भी बेसिस पे का मता कौन मोनो कार्पलरी बाई कार्पलरी टाई कार्पलरी सो ऑन इज उंगता है डिवाइड चूज. ठीक है. एंड व्हेन देयर इज कोहिजन ऑफ कार्पलरी. सो जब किसी कार्पल में कोहिजन हुआ है या फ्यूजन हुआ है. ठीक है. फ्यूजन सोचो ना ऑन दैट बेसिस कार्पल गुण गताएं डिवाइड चूज क्या अगले कंडीशन नी से ना. द फर्स्ट इज सेट टू बी एपोकार्पस. एपोकार्पस कौन से कंडीशन को कहेंगे. व्हेन टू और मोर कार्पल इज प्रेजेंट एंड दे आर फ्री. अगर दो या दो से ज़्यादा है और वो फ्री है. ठीक है. दो या दो से ज़्यादा और वो फ्री है, द कंडीशन इज सेट टू बी एपोकार्पस. अगर कार्पल गुण नी से समाप्त ही होते पर फ्री होता द कंडीशन इज सेट टू बी एपोकार्पस विच इज सीन इन केस ऑफ लोटस एंड रोज कुने नोले. सिन कार्पस है दूसरा एक हमारे पास. सिन मीन्स फ्यूजन. तो सिन कार्पस कार्पस कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अगर उनमें कार्पल है, अगर वो कार्पल जो है उनमें फ्यूजन हुआ है. ठीक है. व्हेन दे आर फ्यूज्ड कार्पल जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, द कंडीशन इज सेट टू बी सिन कार्पस. सो विच इज सीन इन केस ऑफ हिबिस्कस. हिबिस्कस को ना बता थोड़ा नुकले. सो गाइनोशियम के साथ सिर्फ यही टर्म है, तो आप इसको आप देख लीजिएगा. अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ग्रुप पे ना हल ले बायोलॉजिक ग्रुप पे ना कि जो मैसेज चूसते टीना टिकले.